के इहो बात रस कहे तनी कि अगर नइखी भी बनत कुछ धोखा हमनी के साथ होखता तो वहाँ के निर्दलीय चुनाव लड़े कन्फर्म बटे एकदम लड़े ऑथेंटिक खबर भाई। हाँ वहाँ के निर्दलीय ओम प्रकाश जी लड़नी चुनाव जनक जना बेरा क्योंकि हिम्मत ना करे तो वो बेरा ओम प्रकाश जी निर्दलीय चुनाव लड़नी तो निर्दलीय चुनाव लड़के यहाँ के सिवान के लोग के देखनी कि हम लायक बनी तो ये बेरा के लड़ी भाई। यहाँ पे दूसरा कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पास है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के इकलौता कैंडिडेट ओम प्रकाश यादव लोग खुद आरोपी वाले दो आदमी विधायक सदेव राम अमरजीत कुशवाहा। अमरजीत कुशवाहा तो जेलो में से चुनाव जीत जला लो। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका एसी यूनुस में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। देखिए दरौली विधानसभा से अभावी विधायक प्रत्याशी 25 से कह लिया जाए तो इसमें कोई दूरा नहीं है। 2020 चुनाव में ये काफ़ी मतलब अव्वल नंबर पे थे टिकट के दौर में अगर बातचीत की जाएगी तो, लेकिन दुर्भाग्य रहा इनको टिकट नहीं मिला। हालाँकि ये लास्ट तक टिकट के प्रयास में रहे, लेकिन इस बार 25 में पूरे ये अगर पूरे सिवान जिले में बातचीत की जाएगी तो भाजपा की अगर बातचीत की जाएगी तो भाजपा में सबसे एक्टिव कार्यकर्ता माने जाते हैं ये। 2024 की लोकसभा की बातचीत की जाएगी तो आखिर ये किसके सपोर्ट में है हम जानेंगे इनसे। चलिए मनोज जी स्वागत है आपका। रौरों का बहुत बहुत स्वागत बा और जे भी दर्शक बार हुआ चैनल के हूँ के भी स्वागत धन्यवाद नमस्कार प्रणाम। एकदम रुआ जमीन से जुड़ल बनी रुआ बात भजन साफ सुथरा बात बटे। 24 में जदयू रही कि भाजपा रही सिवान में? निश्चित तौर पर यहाँ से भाजपा चुनाव लड़े जा रहा भी है सिवान से भाजपा से। ओम प्रकाश यादव की मंगल पाड़े देखिए, मंगल बाबा तो अभी MLC बन गए हैं, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। ठीक, यहाँ पे दूसरा कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पास है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के इकलौता कैंडिडेट ओम प्रकाश यादव जी है। ओम प्रकाश यादव हैं। अच्छा, एनडीए की तरफ से ओम प्रकाश यादव, इंडिया की तरफ से कौन होगा आप लोग के हिसाब से? चूंकि आप लोग राजनीति में रहते हैं आप लोग, अब वो दूसरे दल का तो हम बात नहीं बता सकते हैं कि भाई कौन कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन सबके पास कैंडिडेट है। यादव जी आ जाए तो अगर अभी दूसरे दल में से देखिए किसी के दल में से कोई भी आए लेकिन ओम प्रकाश जी का मुकाबला कोई करने वाला यादव सिवान में नहीं है। अच्छा जी, अच्छा ओम प्रकाश के मुकाबला कोई करने वाला नहीं है। कविता सिंह देखिए तो पूरा दावेदारी की हुई है, अगर नहीं मिला फिर ये बागी होंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा आप लोगों को? नहीं बिल्कुल, कोई भी बागी बने जनता देख चुकी है, उनको ही 5 साल देखी हुई जनता। विकास जो करेगा उसको जनता चुनती है, तो ओम प्रकाश जी विकास करते हैं, किसी का विनाश नहीं करते हैं, इसलिए उनको जनता चुनेगी। इसका मतलब आप लोग एनडीए के साथी तो विनाश कर रहे थे सिवान में कविता सिंह? मैंने वो क्या बोला कि हम क्या बोले कि विनाश जो करेगा उसको जनता ही पसंद नहीं करेगी, जो विकास करेगा उसके साथ जनता रहेगी। अच्छा, इंडिया ठीक से चल रहा है गठबंधन आप लोगों में? अभी तो मान लीजिए जुमा अभी महीना भी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक तो मान लीजिए कि जौन बा हिसाब तो बढ़िया चलते बा, अब आवे वाला समय में केंगा चली, अब मेहनत करही के पड़ी। हमनी के तो बगावत करनी सन, हमनी के तो पार्टी के साथ मेहनत करनी सन, वहाँ 70,000 वोट भी पड़नी सन के, फिर भी 70,000 वोट पा के भी हमनी के हार भइल के जीतल हो आओ जी से माले पार्टी के को विधायक बड़े सत्यदेव राम उहे जीतल। सत्यदेव राम, मनोज राम और सत्यदेव राम तो लागत है कि 24 में के आमना सामना हो जाए आपके पार। 25 में माफी चाहे 25 में ना ना आमना सामना बात नहीं है। अब वो भाजपा के तरफ से हम सुनने एक रोज 8 बार तो एक रोज सीट तो मिल दलित के मिले कहा एगो ठीक बा, तो समय के बात बा, लेकिन उनका से हमारा कोनो आमना सामना ना हो। चुनाव के बात आमना सामना कह चुनाव के बात करते नहीं कि चुनाव में भी उनका हमारा आमना सामना ना होगी, काहे कुल दोषी वालो वो लोग जल्द सजा होके जा रहा है। दोषी वालो जी का दोषी का वालो का कोई वालो 2012 में एगो चिलमरवा गांव है। अच्छा, वही जी हत्या भई रहे, वो हत्या में वो लोग खुद आरोपी वालो दो आदमी विधायक सदेव राम अमरजीत कुशवाहा। अमरजीत कुशवाहा तो जेलो में से चुनाव जीत जला लो तो रुवस का करने दरबम का लोग लो, आज निकली लोग कल चल जेलो जेल में लो ना ना तो ऐसा बात नहीं है न कनी। हां ये कहे के मतलब कि अब जनता अपराध के दुनिया में जाए के नहीं चाहत। अब जे भी स्वच्छ छवि के लोग आई ओकरा साथ जनता रही, जे विकास करे ओकरा साथ जनता रही। अच्छा रुवा, 5 साल तो मेहनत कनी हमने देखा था जो क्षेत्र में जो मेहनत करते पार्टी के प्रति, का लगत है बेरी पार्टी रुवा के आला कमान समझी कि ना? एकदम निश्चित समझी, भाजपा ही एगो पार्टी ऐसा भी है कि कोनो भी कार्यकर्ता के हक ना मारे ले, मजदूरी ना मारे ले, समय आई तो एकदम शुद्ध समय तापस लौटा दी। अभी रुआ 2-3 गो चुनाव भले सा केहू नाम भी ना जानते कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाए, फर्स्ट विधायक और मुख्यमंत्री, त
तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही खूबी बा कि कुछ भी कर सकेले, कहीं से भी आदमी को उठा के राजा सरंग को ही बना सकती है भाजपा। ना तो भाजपा के बात को नहीं देखे, अनिल गिरिवान हमारे को जिंदगी बीत गए भाजपा आइले को सीट पर ना बैठेलस। अच्छा ये बताई रुआ विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए क्या हिसाब बटे? विकास देखी हमारा विधानसभा में विकास नहीं है, अभी विकास चाहिए वहाँ विकास नहीं है, काहे नहीं है कई कारण बा। कारण ये बा कि सबसे पहले तो वो लोग के अंदर जो विधायक बा 25 साल मान ली, पाँच टर्म मैंने मिला जुला के पिलर डहर बड़ा मुश्किल हो जाए, पाँच टर्म से वहाँ से विधायक बढ़े लेकिन उनका विकास से कोनो मतलब नहीं है। वो लोग राशन किरासन करके जनता के 25 साल से ठगले बा, अभी भी ठगे कोशिश करता लेकिन मेरा जनता जागरूक हो गई भी कि लोग के दूसर काम नहीं खे, ये लोग राशन किरासन करी लो आ ये लोग के गिनल गुथल दो पाँच गो जन लोग बा वही लोग के लाभ बा, बाकी तो सब कब सबके बर्बाद कर दिल। मनोज राम आयम तो क्या कह देने के पूरा पिलर के ढाएम कि ना मनोज राम? अब देखियो तो समय बताई लेकिन हमनी के शुरू से हमारी इच्छा बा कि जब भी अगर हमरा मौका मिली तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगी वो विकास से काम हमने कल जाई, समाज के हित में काम कल जाई। अगर समाज हमारा साथ एक कदम चलता तो हम समाज के ओकरा साथ हम 10 कदम चले के भी प्रयास करें। दरौली विधानसभा में जी बिल्कुल। अच्छा 24 में तो ओम प्रकाश यादव रो पूरा समर्थन में बनी? देखी समर्थन में ऐसे बानी कि अभी हमारे लगे NDA में केहू कैंडिडेट वो लायक नहीं थे। ओम प्रकाश जी वो बेरा के जब चुनाव जीतनी जौना बेरा चुनाव यहाँ लड़े खातिर केहू के हिम्मत ना करे, तो जब ना बेरा ओम प्रकाश जी लड़नी चुनाव जनक जना बेरा केहू के हिम्मत ना करे तो वो बेरा ओम प्रकाश जी निर्दलीय चुनाव लड़नी, तो निर्दलीय चुनाव लड़ के यहाँ के सिवान के लोग के देखनी कि हम लायक बनी, तो ये बेरा के लड़ी भाई सबसे पहले तो दवादार वहाँ के बने ओम प्रकाश यादव जी बने वहाँ के चुनाव लड़े पूरा लाग ओम प्रकाश यादव के मतलब एकदम 100% वहाँ के प्रत्याशी बने जा रहा बनी। अगर नइखी ही बनत तो हमनी के इहो बात रोज कहतनी कि अगर नइखी भी बनत कुछ धोखा हमनी के साथ होखता तो वहाँ के निर्दलीय चुनाव लड़े कन्फर्म बटे एकदम लड़े ऑथेंटिक खबर भाई। हाँ वहाँ के निर्दलीय भी चुनाव लड़े।